अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ जो है फिज़ान नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता मैंने इनको दे दिया था। ये खा रहे हैं दाल का पराठा, अचार, और रात को हमने बनाए थे आलू के बैंगन, आलू के बैंगन कह रही हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? आलू बैंगन। तो यहाँ पे वो नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करके वो दुकान चले गए थे। और यहाँ जो है बच्चे, क्योंकि आज संडे है तो बच्चों का ना स्कूल था ना ट्यूशन था, और साथ के साथ आज मदरसे वाली बाजी ने भी इनको ऑफ दिया था, तो बस यहाँ बच्चे जो है नाश्ता इन्होंने कर लिया है और वो अपना कार्टून देख रहे हैं। तो बस आज के दिन जो है वो बच्चों की सारी फरमाइशें पूरी होंगी, जो जो बच्चे बोलेंगे वो मतलब कि करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि बच्चे जो है संडे का दिन समझते हैं कि आप बिल्कुल फ्री हैं, आज़ाद हैं, ना ट्यूशन है ना मदरसे है। तो बस यहाँ जो है वो बच्चे अपना कार्टून देख रहे हैं, साथ के साथ इन्होंने मुझसे फरमाइश भी करी थी कि मम्मा हमें ये बना के ला दें। तो बस मैं इनको वो जल्दी से बना के दे दूँगी और ये अपना टीवी भी देखते रहेंगे और वो खा लेंगे। और साथ के साथ यहाँ देखें अमार जो हैं वो जो है पूरा टीवी के साथ बिल्कुल हैंग हो जाते हैं, तो इनको बार बार देखना पड़ता है कि टीवी इनके ऊपर ना गिर जाए। तो बच्चे जो हैं अपना कमरे में खा रहे थे खाना, और यहाँ मैं आ गई थी किचन में। बहुत दिन हो गए थे किचन में, मतलब कि मेरा जो फ्राई पैन है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मुझे वो साफ़ भी करना था। तो यहाँ आई थी मैं, और किचन में जैसे बच्चे तो अपना बिजी थे तो बस यहाँ मैं साफ़ करी थी, लेकिन अमार जो है वो पीछे पीछे आ गए थे। और बहुत ज़्यादा सोच समझ के मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब कि मुझे अच्छा नहीं लगता तवा साफ़ करना, क्योंकि देखें साथ के साथ इतना गंद फैल जाता है, उसका ये जो चूरा होता है बिल्कुल दीवार पे भी चिपक जाता है, चूल्हा पूरा गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से मैं बहुत सोच समझ के मतलब कि कतराती हूँ तवा साफ़ करने में। तो बस वहाँ उसको मैंने अच्छी तरह से साबुन से और ईंट से जो है वो रगड़ दिया था चूल्हे पे अच्छी तरह पकाने के बाद, तो बिल्कुल ही तवा मेरा साफ हो गया था। मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और यहाँ जो है संडे है तो संडे वाले दिन जो है मैं इनकी मालिश करती हूँ तेल से, क्योंकि स्कूल वाले जो है वो अलाउ नहीं करते हैं इनका स्कूल में ऑयल, तो बस संडे का दिन ही मिलता है जिस दिन मैं इनकी जो है वो ऑयलिंग करती हूँ। तो बस यहाँ मैं एक एक करके इन तीनों की जो है ऑयलिंग कर दूँगी, और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, मतलब कि कहते हैं खुद से कि आप हमारे ऑयल कर दें, बच्चों को भी रिलैक्स फील होता है तो वो मुझसे कहते हैं कि मम्मा आप हमारे ऑयल लगा दें। तो बस यहाँ बच्चों को रिलैक्स करने के लिए मैं इनकी ऑयलिंग कर रही हूँ। और आप प्लीज़ मुझे अपने और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन सी मॉम्स ऐसी हैं जिनका संडे जो है वो इतना बिज़ी गुजरता होगा। मुझे तो लगता है सबका ही ऐसा बिज़ी गुजरता होगा, क्योंकि संडे के दिन अमूमन मशीन लग रही होती है, खाने बन रहे होते हैं, साथ साथ बच्चे भी होते हैं। ये मतलब कि साफ़ सफ़ाई तो डेली की होती है, लेकिन संडे वाले दिन जो है वो बच्चों के, क्योंकि न्यू ड्रेस जो है हमें तैयार करना होता है, न्यू वीक हमारा स्टार्ट होने वाला होता है, तो जिसकी वजह से जो हम उनके बैग भी सेट कर रहे होते हैं, यूनिफॉर्म भी धो रहे होते हैं, तो बस यही हमारा टाइम होता है कि इस तरह से गुजर जाता है हमारा पूरा दिन, हमें पता भी नहीं चलता। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा किस किस का दिन इस तरह इतना बिजी गुजरता है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ जो है हमजा रहीम की मालिश हो चुकी है, मैं कर रही हूँ अम्मार की, और अम्मार को भी बहुत ज़्यादा शौक़ है मालिश करने का, करवाने का, इनको बहुत मज़ा आता है, मैं इनके जगह मालिश करती हूँ। तो बचपन में मैं मतलब ये जब छोटे थे मैं तब से करती आई हूँ, मैंने माशाल्लाह अपने तीनों बच्चों की जो है वो मालिश करी है। तो मैं यहाँ जो न्यू मॉम्स जो हैं वो बन चुकी हैं, मैं उनको एक न्यू मैसेज देना चाहूँगी, वो यही है कि जैसे ही आपके बच्चे हैं, आप 1.25 महीने में हैं, तो लेडीज़ भी अपनी मतलब के जो मॉम है उनकी भी ज़रूरी हो, उनके लिए भी ये चीज़ ज़रूरी होती है और बच्चों के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी होती है। मतलब के मॉम्स जो होती हैं उनकी भी हड्डियाँ जॉइंट्स वगैरह जो होते हैं वो आप समझ सकते हैं वो खुले हुए ही होते हैं, मतलब के वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से मॉम को भी मालिश की और अच्छा खाने पीने की ज़रूरत होती है, और बच्चों को भी छोटे जो 1.25 महीने के बच्चे होते हैं उनको भी, मैं समझती हूँ 3-4 साल के जो जाते हैं ना उस दौरान तक आपको मालिश करनी होनी चाहिए बच्चों की, क्योंकि बोन्स जो होती हैं वो मज़बूत होती हैं उससे, ताकि बच्चे का हाथ नहीं उतरे और कोई असली नहीं उतरे, इस तरह के कोई मसले मसाइल ना हो, तो इसलिए छोटे बच्चों की तो हमें करनी चाहिए। तो मैं अब तक जो है हमजा तक की मालिश करती हूँ हाथ पाँव की, क्योंकि मुझे यही होता है कि बच्चे इधर उधर भागते हैं, थक जाते होंगे, पाँव में ठंड होती होगी, दर्द होता होगा,
तो इस वजह से मैं इनके मालिश हाथ पाँव की कर देती हूँ। तो मॉम्स के लिए मेरा मैसेज यही है कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, जो न्यू न्यू मॉम बनी हैं अपनी मालिश करें, अपने बच्चों की मालिश करें, ताकि आपकी भी हड्डियाँ मज़बूत हों और बच्चे की भी हड्डियाँ मज़बूत हों। और यहाँ जो है बच्चों को मैंने नहला दिया है, और हमज़ा जो है वो फ्रेश होने गए हुए हैं, रहीम को मैंने वो शावर दे दिया था, तो बस यहाँ मैंने रहीम को तैयार कर दिया। और साथ के साथ देखें, मैं आपसे यही डिस्कस कर रही थी कि अब संडे वाला दिन है और मुझे बच्चे तंग ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। अम्मा ने जो है यहाँ पे दीवारें बिल्कुल गंदी कर दी थी, ने पेंसिल से जो वो ड्राइंग बना दी थी, अपने नक्शो निगार बना दिए थे, बस मैं वही साफ़ कर रही हूँ। और देखें पूरे कमरे की दीवारों पे उन्होंने जो है वो पेंसिल के निशान लगा दिए थे, मैं वही साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साफ़ हो चुके हैं और बच्चे जो हैं वो अपना गेम खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो बस इसी तरह से हमारा संडे आज का दिन जो है वो गुज़र जाएगा बच्चों के साथ। तो जो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि कौन कौन सी मॉम्स का जो है वो संडे का दिन इतना बिजी गुजरता है बच्चों के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।